सो फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले एक एक्सीडेंट हो गया, तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा टूट गया और यहाँ पे थोड़ा सा क्रैश आया और मेरा प्लेट नंबर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये तो ठीक हो जाएगा अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और नेपाल रोड का एपिसोड नंबर 9 में आप सबको स्वागत करता हूँ। और अभी टाइम जो हो रहा है वो 7:45, तो हम लोग ये आप देख सकते हैं पोखरा का जो होटल है यहाँ से हम लोग चेकआउट करेंगे और आज हम लोग जाएंगे जनकपुर। यहाँ से अराउंड 400 किलोमीटर है, तो चलिए चलते। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। पाम ठीक है ना सरोज? देखिए तो पीछे, देखिए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, देखिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पीछे देखिए। ठीक है अंकल, निकलते। हाँ, थैंक यू। तो अभी चलते। ये जो रोड है, ये रोड आपका डायरेक्ट एयरपोर्ट निकल जाएगा, पोखरा का जो एयरपोर्ट है। तो आज का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है। तो पहले हम लोगों का प्रोग्राम था, मतलब काठमांडू होके हम लोग निकलेंगे, तो अभी हम लोग काठमांडू नहीं जाएंगे, दैट हम लोग जाएंगे दूसरा एक रूट से जो नारायण घाट होके जो रूट जाता है, और रूट अंकल बोला अच्छा है, देन वहाँ से हम लोग चलेंगे। तो अब ऊपर का व्यू कुछ देख सकते हैं, फॉग का वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे पेट्रोल है 113.5। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं किया, तो भैया पूरी हो जाएगा? ठीक है, अच्छा है। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। तो अभी निकालते, चलिए सरोज। तो इतना दिन बाद हम लोग अच्छा से ब्रेकफास्ट किए, तो अभी टाइम जो हो रहा है वो 9 बज रहा है। यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर है वो जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे, केबल कार जहाँ पे है। तो हम लोग पहुंच गए मुगलिंग पे, तो अभी हम लोग जाएंगे, मतलब केबल कार जहाँ पे है वहाँ पे, देन हम लोगों को यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर जाना होगा सामने, देन हम लोगों को फिर रिटर्न आना है। वो जो शायद ऊपर से रोड जा रहा है उसी रोड से हम लोगों को जाना होगा, क्योंकि हम लोग काठमांडू होके नहीं जा रहे। तो यहाँ पे किसी से हम लोग पूछेंगे, मतलब रोड कंडीशन कैसा है। तो ब्रिज क्रॉस होने के बाद ही बोला था हम लोगों को, मतलब दो रास्ता डिवाइड हो जाता है, वेलकम टू मुगलिंग।
सरोज ये दो रोड। सरोज यहाँ पे पूछते हैं ना। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। तो अब वहाँ पे देख सकते हैं इनसेल का जो सर्विस है और सिटीजन बैंक। तो अंदर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मुगलिन से अराउंड 10 किलोमीटर नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। लाइन है क्या सरोज? वही होगा शायद। हाँ हम लोग शायद अलग होना चाहिए। मिनिमम लगेगा ना। तो हम लोग तो आज जाएंगे जनकपुर, तो कैसे जाएंगे? वही तो पूछ रहे। 2 तो ऐसे ही बच जाएगा। अभी टाइम कितना हो रहा है? 11:30, मतलब 2-3 तो ऐसे ही बच जाएगा। 2:30-3 तो ऐसे ही हो जाएगा। 3 तो मिनिमम 3-3.5 हो जाएगा ना माँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। रात को ना, रात को 11 बज जाएगा तो ड्रॉप करते हैं ये प्लान को। हाँ तो अभी देखते हैं। निकलना है क्या? ना ना, जनकपुर में आज हम लोग स्टे करेंगे। दर्शन काल निकलना है, वहाँ से वापस होना है। ना ना, उधर ही जाना है। तो अभी देखते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा का व्यू दिखा दे बात। हाँ हाँ, आधा घंटा होने से भी कोई बात नहीं। आप लाइन देख सकते हैं यहाँ का। चले गए उधर से आने में भी अगर लाइन होगा तो फिर क्या करेंगे? बात वही तो बात है। तो अभी आके आके कोई फायदा नहीं हुआ। साला हम लोगों का जाने का मन था। अब देखे ना लाइन को। हाँ कितना लंबा लाइन है, वही तो देख रहे। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो टिकट है इंडियन करेंसी में 500 और नेपाली में हो गया 800। टिकट सेल, पार्किंग, रेस्ट रूम, बोर्डिंग, रेस्टोरेंट, स्नैक्स एंड शॉप एंड यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफिस। अब देखे ना टिकट का भी लाइन देखी ना। हाँ वो देखिए, सरोज निकलते हैं यहाँ से। बेकार जाके तो कोई फायदा नहीं है। देखिए ये तो हम लोगों का दार्जिलिंग में भी है, बात हो नहीं है। बात यहाँ पे एक मंदिर था इस पहाड़ से, गैंगटॉक में भी मैंने तो चला ये सब में। तो अभी निकलते हैं, चलिए। सो सैड फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम लोग इसमें चढ़ते हैं तो हम लोगों का अराउंड, सरोज अभी हम लोग यहाँ पे चढ़ते हैं तो इसको मतलब अराउंड 4 तो मिनिमम बच जाएगा हम लोगों। हाँ कोई गारंटी नहीं है, 4 ही बजेगा। 6 घंटे से ऊपर लगेगा जाने में हम लोगों को अभी भी। तो हम लोग सोच रहे हैं कल जनकपुर को अच्छा से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आज तब तो हम लोग जनकपुर, हम लोग 2 घंटा पकड़े थे इसके लिए, 20 मिनट जाने 20 मिनट आने, अराउंड 2 आवर्स ना। हाँ तब भी कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ तो 4-5 घंटे ऐसे ही चला जाएगा। हाँ राउंड के इधर से एग्जिट। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते, तो चलिए।
कब से हम लोग वेट कर रहे थे इसके लिए। हाँ 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 वही तो बात है। तो फिर से हम लोगों को यहाँ से 5 किलोमीटर जाना होगा क्योंकि मुगलिंग से रास्ता डिवाइड हो जाता है। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग आज रुकते हैं तो मुगलिंग काफ़ी टाइम लग जाएगा कि वहाँ से कल हम लोग निकलते हैं तो कि वही बात है इसीलिए। नहीं तो यहाँ से 300-400 किलोमीटर होने से भी रुक जाता ठीक ना। पोखरा से हम लोग अराउंड 100 किलोमीटर आए ठीक ना। हाँ 100 किलोमीटर होगा क्योंकि 288 समथिंग अराउंड ऐसा कुछ होगा। कितना टाइम से इसके लिए वेट कर रहा था आप सोचिए ना। जब हम लोग यहाँ पे जब था उसी टाइम ही भीड़ होगा तो क्या करे। तो फिर से हम लोग आ गए मुगलिंग पे तो यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट लेना है। तो मुगलिंग का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। तो अब ऊपर में माउंटेन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। नारायण घाट है यहाँ से 36 किलोमीटर। यहाँ का जो लोकल आदमी लोग है उन्होंने बोला तो ये रोड काफ़ी अच्छा ही है। तो अभी इस रोड से तो हम लोग पहली बार जा रहे हैं तो अभी देखते हैं। मतलब ये रोड जो है ये रोड डायरेक्ट बद्रीवास लेके चला जाएगा हम लोगों को। सो फ्रेंड्स थोड़ा देर पहले एक एक्सीडेंट हो गया तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टूट गया और यहाँ पे थोड़ा सा क्रैश आया और मेरा प्लेट नंबर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये तो ठीक हो जाएगा अभी। और सरज को भी कुछ लगा नहीं, मुझे भी लगा नहीं, बस मेरा ग्लव्स थोड़ा सा फट गया और कुछ भी थोड़ा सा बाइक स्किड हो गया था। और ये आप देख सकते ब्रेक जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो हम लोग सेफ है। ऐसा कुछ हुआ नहीं ना आपको लगा नहीं तो। तो थोड़ा देर यहाँ पे रुकते और उसके बाद निकालते। ये टूटा इधर वाला ना और कुछ नहीं। ये तो ठीक हो जाएगा अभी ना। हो गया ठीक। और ऐसा कुछ बड़ा चोट नहीं आया हम लोगों तो अभी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ का रोड काफी अच्छा है ठीक ना। इसको सीधा करना होगा ना। टूटेगा नहीं तो सीधा करना। हाँ सीधा करना टूटेगा तो नहीं। नहीं शायद नहीं टूटना चाहिए। थोड़ा सीधा करना चाहिए। हाँ तो ना हो तो हो जाएगा। बैठ गए तो अभी निकलते हैं। ब्रेक मारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बस और कुछ नहीं।
तो एक गैरेज में रुक के बाइक का ये थोड़ा सा ठीक करा लेंगे। कोई नहीं है? तो इसको तो भैया ये थोड़ा सा स्ट्रेट सीधा कर दीजिए ना, ये थोड़ा सा सीधा कर दीजिए ना, ये इधर आइए। ना ना ये थोड़ा सा स्किड हो गया, ठीक है। सामने का डिश लग रहा था ना? हाँ भैया पाम चेक कीजिए ना, थोड़ा हवा चेक कीजिए ना। हाँ तो फाइनली हो गया, 5 मिनट का काम था तो अभी निकलते हैं यहाँ से। काफी शानदार है, दो सौ किलोमीटर ना, एकदम स्ट्रेट रोड। हाँ बोर्ड है ना, बेस्ट रोड है ना। कितना किलोमीटर बेस्ट रोड है? रोड कहाँ तक अच्छा है? रोड कहाँ तक? ठीक है निकलते। चलिए तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, देन हम लोग निकलेंगे यहाँ से। जनकपुर अराउंड 200 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने कर लिया लंच, अब बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अभी देर बज रहा है।
तो अभी निकलते हैं, यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए बद्रीवास और हम लोग अभी रुके हुए जनता होटल में। तो अभी रूम पे जाके आपसे बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अराउंड 450 किलोमीटर बाइक चलाया और लास्ट का जो 50 किलोमीटर था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। और अभी हम लोग बद्रीवास पे है, तो ये आप देख सकते हैं पीछे का व्यू। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।